नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज डॉक्टर शाहिद साहब की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उन्होंने काफ़ी इंकशाफ किए हैं इमरान खान साहब के हवाले से और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के हवाले से। चलिए उनकी वीडियो देखते हैं। जो सेटअप था वो भी कुछ इसी सेटअप का था और मौजूदा जो बातचीत हो रही है इसी तरह शुरू हुई और दो पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को इलेक्शन फौरी तौर पर शूट करते हैं। एक का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिनको नहीं शूट करता वो है। और ये मामला पहले भी चला था, ये मामला 2018 से पहले भी चला था और ये उस वक्त चला था जब मैं हमेशा वो याद दिलाता हूँ कि दारुल कादरी साहब, चौधरी शुजात साहब और जरदारी साहब पहुंचे थे लाहौर में और इमरान खान नहीं आए थे। इमरान खान लेट हो गए थे, लेकिन एक अरेंजमेंट ऐसा बना था जिस अरेंजमेंट में जरदारी साहब मुकम्मल तौर पर उस सिस्टम का हिस्सा थे। और जब ये बात होती है कि साकिब निसार बैंक ये और ये सब, तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने दिल पे पत्थर रख के इस बेंच को बुरा भला कहते हैं, साकिब निसार साहब को बुरा भला कहते हैं। और पत्थर दिल पर उन्होंने इसलिए रखा होता है कि वो ये नहीं कह सकते कि साकिब निसार साहब के बेंच से जरदारी साहब के बिल। सादिक अमीन और मासूम तीनों तो सादिक अमीन को रुक जाते हैं तो मासूम का मसला। अब इशू यह है कि जरदारी साहब ने मुकम्मल तौर कंप्लीट, पहले तो मेरा ख्याल ये, अभी तो हमारी स्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग है, लेकिन जो पिछली स्टैब्लिशमेंट थी मुशरफ साहब के दौर से लेके और सबके दौर तक उनको चाहिए कि जरदारी साहब को एक खास एक तंगा दें, क्योंकि वो काम हुआ है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब साहबादा के एस्टैब्लिशमेंट्स की वजह से भी जरदारी साहब ने। और उनका काम क्या था, एक तो नवाज शरीफ साहब इरफान सिद्दीकी साहब को तो बिल्कुल ना बताया, किसी और को बुला, इरफान सिद्दीकी साहब हमारे काम पर उतरा लेकिन वो किसी और को बुला के इरफान से जरा मुगलिया खानदानों की जरा वो पढ़ें, दारा शिकोर औरंगजेब आलमगीर अली सानी सारी कहानियां पढ़ें तो फिर उनको पता चलेगा कि उनके साथ क्या होगा। ठीक है, किसने किसने किसको कहा कि वो आ जाएगा तो क्या तुम्हारे पास आया करेंगे लोग सारे, तो क्या चिल जाएगा छोटे मसले ये मियाँ साहब अगर इतनी इसमें बोले भी नहीं है, अगर उनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ तो फिर वो उधर इस तशरीफ, अगर उनको इतना ही नहीं पता। और वो आए थे, ये आए थे इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को इन्होंने अदालतों से रिलीफ दिलवा के वापस लाना था और अब उन अदालतों के साथ खड्डा करवा के ताकि वो जो बच्चे के लिए रह गए नवाज शरीफ वो भी बिल्कुल ही दालम दलूच करके तो हम क्या करेंगे उनका वो बेंच का जरदारी साहब। अच्छा, अब इसमें इशू ये है, तजिया नहीं है दोनों तरफ से तब्दील होती रहे लेकिन है टीचर में याद वो है बड़ी इंटरेस्टिंग। इस तरह से हो रहा है कि देखें जरदारी साहब को इलेक्शन से अब ग्रेजुअली आप देखें जरदारी साहब की पोस्टिंग अलग हो रही है, जरदारी साहब की पोस्टिंग बिल्कुल अलग हो रही है। कह रही हूँ कह रही माशी मसला हम हुकूमत का हिस्सा है लेकिन उनके साथ चल रहा है, ये जवाब दें ऐसे ही। थोड़ा सा परवेज अलाई साहब ने वो दुआए खैर के मौके पर जरदारी साहब ने जरा उनके नए सरकारी तस्वर हो उनको थोड़ा सा शौक है नौ करवा के पंजाब आज जो आ गए परवीन ने पंजाब पुलिस सलाह छेड़ती रही पूरी दुनिया में और परवेज अली साहब आजाद जरदारी साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन दुआए खैर में तो गड़बड़ कर गए थे, इतना तो जरदारी साहब का बनता है ना शौक है नौ देने हो गया।
फिर ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ सिर्फ सिचुएशन को देखिए। जरदारी साहब, अब इमरान खान साहब जो हैं वो पिछला अरेंजमेंट भी ऐसे था कि इमरान खान साहब को जो फोकस था नवाज शरीफ या बाद जरदारी साहब, तो जब मामला खराब हुआ था टेप आई थी पिछले साल कैसे आया था, अच्छा वो जो कारोबारी शख्सियत थी वो करना मेरी इतना है, मैंने उनको मैसेज छोड़ा क्योंकि दोनों तरफ से कंफर्म हो गया, फिर मैंने उनसे उन्हें मैसेज छोड़ा कि आपका भी कोई रोल है दरमियान, तो उधर से जवाब आया, तो जवाब नहीं आता वरना वो तरदीद कर देते हैं या वो हाँ कर देते हैं और ना कर देते, उन्होंने ना नहीं। वो कौन सी कारोबारी शख्सियतें हैं बड़ी मुल्क की जो जानता है, और उन्होंने ये वो है जो पिछले साल एक कैसेट आया था जी कि मदद करें, और जरदारी साहब ने कहा था कि आप लेट हो गए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा अब इसमें इशू ये है ना कि जरदारी साहब को अर्ली इलेक्शन सूट करता है, इनको इमरान खान को अर्ली इलेक्शन सूट करता है, अगर इलेक्शन सूट नहीं किसी को करता अर्ली तो वो है मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून भी मुस्लिम लीग नून किया है तमाशा बन गया है। मैं बहुत संजीदगी से ही बात कर रहा हूं, एक भाई की गवर्नमेंट है दूसरा भाई बाहर बैठा हुआ है, क्या तमाशा, ठीक है ना, मतलब प्लेटलेट्स और ये और वो, इसको कहीं आप हिस्ट्री क्या लिखेंगे आगे, जजों से लड़ेंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब हमारे भाई के, जरदारी साहब की कॉल है ख्वाजा आसिफ को, फारूक नायक साहब के रिश्तेदार हैं, उनका काम भी नहीं है, वजीर दिफा है वो, ये उनका काम तो नहीं है ना, लोगों को एंगेज किया हुआ है, तकरीरें वापड़ धापड़ आगे पीछे, कहते ना कि ये कर दो ये किया, वज़ीरे आज़म को निकाला गया, अच्छा जिनको निकाला गया वो चुप हैं, यूसर रज़ा गिलानी कमाल देखें वो चुप हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इस जगह फिट हुई आके, उनकी हिस्ट्री ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया है। एक बात जो कई दफा ऐसा होता है कि खून अंदर से खोल भी रहा हो ना, लेकिन वो जो वो एक होता है ना उसको लेके चलना पड़ता है, वो क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ होती है कि हमने कानून के सामने सरेंडर किया। अब जो है वो मतलब अंदर बैठ के सरेंडर किया है, मतलब अदालतों के सामने सरेंडर किया है ना, मतलब ये तो नहीं हुआ कि जेलों में बैठ के डायलॉग हो रहे हो हुकूमत गिराने के, बाहर आके हुए जेलें काटी हैं, पता चला कि जेलों में तो हुकूमत गिराने की प्लानिंग हो रही थी, तो ये तो अजीब सी है ना, अजीब सा हिस्ट्री ये है कि उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया, भुट्टो साहब से लेके बेनजीर भुट्टो साहब, ये यानी भुट्टो साहब का जो यानी ये कोर्ट किसको कर रहे हैं, नसीम हसन शाह साहब को, तो नसीम हसन शाह साहब की जद में कौन आया था, और फिर उसके बाद जब 93 की पार्लियामेंट, बेनजीर भुट्टो साहबा हमारी नई नस्ल नहीं जानती उनको इतना ज्यादा, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहबा ने सिर्फ एक लफ्ज कहा था उस वक्त, कैंगरू कोर्ट, बस इसके बाद कुछ नहीं। और इन्होंने कभी अदालतों में अपने जजमेंट सेट नहीं करवाए, कभी नहीं करवाए, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन जगहों पे कमजोर रही है उसमें एक जगह अदालतें भी हैं, अदालतें कि ये उनके जज हैं, तो ये ऐसा नहीं हुआ। अच्छा अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि जरदारी साहब, अब जरदारी साहब की मौलाना साहब से मुलाकात हो रही है, अभी आज हुई है, आज जरदारी साहब की मौलाना साहब से मुलाकात अभी हुई है कुछ देर पहले। अच्छा इसको सामने लाने की जरूरत भी नहीं है ना, सब ने अपनी अपनी पोजीशन ली हुई है, मतलब मौलाना साहब की जरूरत नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात करें, कोई जरूरत नहीं, जरदारी साहब बीच में एक वो है ना दरमियान में, इस्टेब्लिशमेंट अलग है तो जरदारी साहब की एक मूवमेंट है, जरदारी साहब ने झटका दिया हुकूमत गई, ठीक है, और जरदारी साहब ने अच्छा इस्तीफे वापस कौन करेगा, अगर लेने हुए तो राजा परवेज अशरफ, वो कौन है, पीपल्स पार्टी, इमरान खान साहब की लीगल टीम देखी आपने, तमाम के तमाम शख्सियात का कभी ना कभी पाकिस्तान पीपल, अच्छा उनको शायद अभी नहीं पता, वो तो इमरान खान साहब के लिए लड़ रहे हैं लेकिन जरदारी साहब उसको एंजॉय कर रहे हैं पीछे बैठ के ना, जरदारी साहब ठीक है, मुजाकराती टीम शाह महमूद कुरैशी साहब, हवा चलती गिलानी साहब सामने। अब इसमें इशू ये है सारा कि इसमें ये शहबाज शरीफ साहब जो है उनको कुछ बातें वाजे करनी चाहिए, जरूरी नहीं होता कि हर वक्त आप गायबी रहें,
एज अ प्राइम मिनिस्टर शेबा, और फिर उसके बाद आप नोट करें ना कि ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए एससीओ में, उन्होंने वर्चुअली भी शायद शिरकत नहीं की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, जी और हिना रबानी खर साहिबा जो हैं वो कतर से वापस आई हैं अभी, और कतर में अक्वामे मुत्तहदा के तहत मुजाकरात हुए हैं, और वो प्रिंसिपल स्टांस है पाकिस्तान का बिल्कुल है। कि वहां पर जो है वो कतर में मतलब अफगानिस्तान के हवाले से कि वहां पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, बाकी जो ख्वातीन की, बच्चों की, बच्चियों की तालीम, तो उन्होंने वांझा के बात। अजी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। डॉक्टर शायद मसूद साहब ने काफ़ी कुछ आपको बताया है, अपने तजियात से वो आगाह करते रहते हैं, उनके तजुर्बात से हम लोगों को काफ़ी इस्तफादा हासिल होता है। ऐसे ही इंशाल्लाह तजियात से भरी वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और नाज़रीन, जैसे कि आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में और काफ़ी बहस मुबासा वहाँ पर हुआ है, फारूक एच नाइक जो कि हकूमती वकील थे वो हाजिर हुए हैं, और उन्होंने मज़ीद मज़ाकरात के लिए अभी टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, और जो मज़ाकरात अभी हुए हैं उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन की है कि ये मामलात हमारे हो चुके हैं, अभी सिर्फ असेंबली तहलील के ऊपर हमारे मामलात अभी आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए मज़ीद वक्त दरकार है। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी हाजिर हुए थे, बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी आज दलाइल दिए हैं, उन्होंने भी जो फारूक एच नाइक हकूमती वकील थे जो उन्होंने बात की सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने उसकी जो है तस्दीक की कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये टाइम गेनिंग है, वो टाइम ये हकूमत जो है टाइम लेना चाह रही है और हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं। तो नाजरीन, चीफ जस्टिस साहब उमराता बंदियाल साहब ने भी ये बात अपनी कही है कि हमने लास्ट नाइट दोनों नुमाइंदगान यानी पीटीआई की तरफ से भी और हकूमत की तरफ से भी मामलात को टीवी शोज पर देखा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस मामले को सियासी तौर पे नहीं देखना, हमारे सामने जो मामला है वो आइनी मामला है, और आज ही उन्होंने तमाम दलाइल को मुकम्मल किया है, और अभी तकरीबन शाम को या लेट एट नाइट के तौर पे इंशाल्लाह इशा के टाइम तक इनका तहरीरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसमें अहकाम भी हो सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उनके अंदर क्या अहकाम जारी करते हैं। तो नाजरीन, ऐसे ही हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें और आइंदा भी आप तक हम वीडियोस को लेकर आएंगे, और जो लोग नए आए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।